हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप ही लोगों की रिक्वेस्ट पे कि किस तरह से हम मैनिफेस्टेशन को जल्दी कर सकते हैं एंजल्स की हेल्प से, कैसे हम लोग ज्यादा जल्दी हम लोग अपनी लाइफ में वो चीजों को पा सकते हैं जिन चीजों की हमारा डिजायर है या जो हमारा ड्रीम है। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, द वन इंपॉर्टेंट कंसर्न इज कि सरेंडरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना सरेंडर आप रखेंगे एंजल्स के ऊपर, या फिर मैं कहता हूं अगर आप जो भी आप जिनको भी आप मानते हैं, जितना ज्यादा आपका सरेंडरनेस होगा उतना ही ज्यादा जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशन होगी। यानी कोई डाउट नहीं करना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज के लिए समर्पित हो जाना, जबकि जब हम चीज पे किसी भी समर्पित हो जाते हैं ना, फिर हमारे पास वो मैनिफेस्टेशन जल्दी होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी मैं आपको बताता हूं, सरेंडरनेस हो नहीं पाती है। नाउ टेक एन एग्जांपल, अगर हमारे घर के अंदर कुछ कैश पड़ा हुआ है और आप कहीं पे मूवमेंट में आप कहीं जा रहे हैं, किसी रिजॉर्ट में रुकने जा रहे हैं, आपने बोल भी दिया कि लाइक ठीक है एंजल्स मेरी हेल्प करिए, मेरे घर को प्रोटेक्ट करिए, मेरे 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 इस चीज़ को कोई लोगों की नज़र ना लगे, और आपके दिमाग में हमेशा डर चल रहा है, ओके, सबकॉन्शियस माइंड में आपका डर चल रहा है कि कहीं कुछ ना हो जाए, कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं कोई घर में डाका ना पड़ जाए या फिर कोई पैसे ना लूट के ले जाए। सोचिए जरा, तो कितना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, कितने ज़्यादा चांसेस हैं कि किस तरह की एनर्जी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं और किस तरह की चीज़ें आपके साथ हो जाएंगी। दिस इज एक्चुअली द रूल, ओके। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज सरेंडरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सरेंडरनेस योर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई ऑलवेज सेज, जब तक आपका सरेंडरनेस नहीं होगी, जब तक आपके पास उनके ऊपर विश्वास आप नहीं कर पाएंगे, आपको 100% आपको ये विश्वास ही नहीं होगा, आपको सरेंडरनेस ही नहीं होगी कि ठीक है मेरे अगर मैं नहीं भी हूं तो मेरा घर सुरक्षित है। ध्यान से रखिए, सुनिएगा, तो आपको क्या लगता है आपकी मैनिफेस्टेशन होगी। मैंने बहुत सारे हीलर्स को देखा है जो हीलिंग करते हैं दूसरे लोगों को कि पैसों को लेके, और उनके खुद के उस पैसे मैनिफेस्ट नहीं होते हैं। बहुत सारे रीजन है, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉकेजेस वो लोग क्रिएट कर लेते हैं अपने पास। मैंने बहुत सारे हीलर्स को देखा भी है कि वो रिलेशनशिप इश्यूज के मतलब हीलिंग लेंगे और खुद के रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते। आप हमेशा इस बात को बहुत ध्यान से समझिए, कई बार हमारा माइंड हमारे साथ खेल खेलना शुरू कर देता है और वहां पर हमारे लिए बहुत जरूरी होता है हम किस तरह से एंजल से हेल्प ले सकते हैं। तो सरेंडरनेस, एब्सोल्यूट सरेंडरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एब्सोल्यूट सरेंडरनेस। द सेकंड व्हिच आई ऑलवेज सेज इज एक्सट्रीम बिलीफ ऑन द एंजल्स। एक्सट्रीम बिलीफ का मतलब है कि जब भी आप कोई चीज कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कहीं पर जा रहा हूं और मैं पूरी तरह से मेरा विश्वास है, बिलीफ सिस्टम है कि एंजल्स मेरे साथ है, मेरा कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, तो आप खुद देखेंगे जो इवन जब आप ट्रैवलिंग भी करेंगे और आपके पास ये बिलीफ सिस्टम होगा कि मेरी एंजल्स मेरे साथ है, मेरी गाड़ी बहुत अच्छे से चलेगी, मैं गाड़ी से प्रोटेक्टेड रहूंगा, दूसरे लोग भी मेरे साथ सेफ बैठे रहेंगे, आप करके देखिएगा कभी और बताइएगा कितना मजा आता है। हमेशा इस बात को मैं बोलता भी हूं कि जब भी कभी आप लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, या फिर ट्रैवलिंग छोड़िए, मैं कहता हूं कोई भी चीज, इवन इन केस अगर आप शादी भी कर रहे हैं अपने बच्चे की, यू हैव टू हैव अ बिलीफ सिस्टम ऑन एंजल्स कि सब बहुत बढ़िया होगा। बहुत बार मैंने लोगों को देखा है कि लोग अपने कॉशियस एफर्ट्स लगाना शुरू करते हैं। मैं कहता हूं कॉशियस एफर्ट लगा रहे हो, लगाओ ना, साथ में हैव अ बिलीफ ऑन द एंजल्स। अगेन बहुत सारे लोगों के साथ मैंने देखा प्रॉब्लम यही आती है कि अल्टीमेटली दे डोंट हैव द बिलीफ सिस्टम एंड दे ऑलवेज टॉक अबाउट कि सर मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा, सर काम नहीं हो रहा। अरे एक बार छोड़ दो, मेरी एक वीडियो है भी, एंजल्स कब नहीं सुनते हैं, वो भी मैंने वीडियो बना रखी है आप लोगों की, और साथ में वीडियो एक और बनाऊंगा कि एंजल्स के साथ आपकी जो आप प्रेयर्स करते हैं वो आंसर्स क्यों नहीं हो रही है। हमेशा ध्यान रखिए, आपका बिलीफ सिस्टम जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उन पे, उसके बाद तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना करने की। टेक एन एग्जाम्पल, आप अपने पापा के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, अपनी मम्मी के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, यू हैव द बिलीफ सिस्टम कि मेरे पापा मम्मी मुझे कुछ नहीं होने देंगे। यू हैव अ बिलीफ ना, That's what I'm saying. So, to have a belief on your guardian angel also. Similarly, भाई मेरे और आपके पास दो guardian angels हैं, ये confirm है, minimum बता रहा हूं। अब वो हमारा बुरा कैसे होने दे सकती हैं? But the question is कि free will के against ये लोग नहीं जानते। यानी इन जब तक आप इनसे help नहीं मांगोगे ना, ये आपकी help नहीं करेंगे। तो always ready to ask for the help. मैंने कई बार देखा है लोग help ही नहीं मांगते हैं। Help मांगेंगे भी तो उन्हें संकोच होता है, और उसके अलावा भी बहुत बार लोगों को प्रोसेस भी नहीं पता होता। हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा, एंजल्स के साथ आप हमेशा कनेक्टेड फील करेंगे जब जब आप उनको बिलीफ सिस्टम आपका हाई होगा कि यू शुड हैव बिलीफ ऑन एंजल्स। दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट। मैनिफेस्टेशन तो यू हो जाएगी। मैंने बहुत सारी मैनिफेस्टेशन के वीडियो अपने बना रखे हैं जहां पर मैंने बता रखा है कि किस तरह से मैंने अपने पैसों को अचीव किया विद द हेल्प ऑफ द एंजल्स। हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं आज भी अगर मैं बात करूं तो मैं एंजल हीलिंग बहुत करता हूं। हर चीज की मैनिफेस्टेशन के लिए मैं अगर अपनी बात करता हूं तो हर चीज की मेरे पास हीलिंग्स है। इवन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कि क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना है, या फिर आपके बिजनेस को ग्रो करना है, इवन जॉब आपको नहीं मिल रहा है, या फिर आपको प्रमोशन चाहिए अपनी जॉब के अंदर, आपके ऊपर कोर्ट केस चल रहे हैं, डेफ्ट या लोन बहुत ज्यादा चल रहा है, डू द एंजल हीलिंग। वेरी सिंपल, डू द एंजल हीलिंग, देयर इज नो एज सच कंसर्न फॉर द सेम। नाउ कम, कभी आप ऐसा हो रहा है कि आपका डाइवोर्स हो रहा है, आप सेपरेशन आप हो रहा है, आप नहीं उससे बाहर निकल पा रहे, या फिर आपके बॉयफ्रेंड ने आपको गर्लफ्रेंड ने आपको डिच कर दिया, छोड़ दिया है, लोनलीनेस की फीलिंग्स बहुत है, इमोशनली बहुत
बहुत हर्ट हो, टेक हेल्प फ्रॉम एंजल्स. अगेन आई एम सेइंग एंजल्स हीलिंग इज द ओनली सॉल्यूशन. नाउ कम टू द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट. मैनिफेस्टेशन करते हुए तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज अगेन वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, दैट इज अ कंटिन्यूअस हीलिंग. मैं आपको एग्जांपल देता हूं दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा. पहले मेरे पास बहुत सारे चैलेंजेस आते थे, जैसे एग्जांपल तौर पर मैं ट्रैवलिंग बहुत करता था अपने सेमिनार्स को करने के लिए, मैं बहुत सारी ट्रैवलिंग्स करता था अपने वर्कशॉप को करने के लिए. और मैं एक चीज आपको बताता हूं, मैंने दोनों चीजों में अंतर करके देखा है. वन इज व्हेन आई डू द एंजल हीलिंग्स एंड सेकंड व्हेन आई डोंट डू द एंजल हीलिंग्स. ये डिफरेंस रहता है, ये डिफरेंस रहता है. पढ़ाने का मेरा तरीका वही है, हमेशा ध्यान रखिएगा मैं वही पढ़ा रहा हूं. लेकिन उसके बाद भी मैं देखता हूं कई बार लोग जो है नहीं आते, कई बार लोग आते हैं तो उसके बाद वो मेरी वर्कशॉप्स में नहीं आते, और जबकि सारा खेल ही वर्कशॉप का होता है. आप इसको समझिए, मैंने उसके बाद एंजल्स के साथ बहुत स्ट्रांगली हीलिंग्स करनी शुरू की कि मेरे पास वही लोगों को भेजो जिनको मेरी जरूरत है, मतलब जिनकी लाइफ में मैं वैल्यू को ऐड कर सकता हूं. आप विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, अगर आप वीडियो देख भी रहे हैं, आप चाहकर भी मेरा कोर्स नहीं कर सकते. पता है क्यों? क्योंकि वही मेरी प्रेयर्स रहती है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को मेरा कोर्स कराइएगा जिन लोगों को मेरा कोर्स करने से फायदा हो. सो दिस इज एक्चुअली व्हाट आई डू इन द हीलिंग्स एंड दैट इज व्हाट आई टू टीच आल्सो. यही कारण है मेरे आज पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स जो अपने इस इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत नेम फेम कर रहे हैं. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं आज अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बना के लोगों की हेल्प कर रहे हैं, अपनी हेल्प कर रहे हैं. दैट इज एक्चुअली द पावर ऑफ मैजिक. तो मैनिफेस्टेशन के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग पूरी तरह से समर्पित रहें, द फर्स्ट थिंग. दूसरा हमारे पास बिलीफ सिस्टम हो, और तीसरा इज कंटिन्यूअस हीलिंग. जस्ट डू इट माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग खुद अपनी लाइफ में मैजिक देखेंगे. जैसा कि मैं बोलता हूं, अगर आप लोगों को नहीं पता एंजल्स क्या होते हैं, कैसे इनसे कम्युनिकेट करना है, मेरा एक एंजल्स का एक इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम होता है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए. आप लोगों ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने लिंक दे रखा है जाइए और उसको फिल कर दीजिए. मेरे काउंसलर्स का आपके पास कॉल आएगा और आप मेरे कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे. कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए मैजिक को. मैजिक ऑलवेज हैपन्स विद दोज ओनली दो पीपल्स हु बिलीव इन अ मैजिक. मैं फिर से रिपीट करूंगा, हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज को. आप मेरे वीडियो में जब भी आप देखते हैं तो सिर्फ एक कॉन्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज शेयर कर दीजिए उस वीडियो को उस व्यक्ति से जिस व्यक्ति को इसकी जरूरत हो. और कमेंट बॉक्स में मैजिक कैपिटल वर्ड में मैजिक जरूर लिखिएगा, बिकॉज आई रियली वॉन्ट कि आप लोगों की लाइफ में भी मैजिक हो जैसे मेरी लाइफ में होता है और हो ही चुका है. लाइक जैसे मैं हमेशा अपनी स्टोरी बताता भी हूँ सभी लोगों को कि कितना डाउन ट्रोडन मेरी लाइफ थी और कहाँ से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ. अपनी पूरी जर्नी में आप लोगों के साथ शेयर ऑलरेडी मैं वीडियोज़ में कर चुका हूँ. तो दोस्तों मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा आप लोगों के साथ, जो आप लोगों का प्यार मुझे जो सम्मान इतना मिलता है उस चीज़ के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा. और मैं चाहूंगा कि एंजल्स आपको हमेशा आपके डिजायर्स को पूरा करें. थैंक यू सो वेरी मच. कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अगला वीडियो किस चीज़ पे बनाना चाहिए मुझे, मैं जरूर बनाऊँ. थैंक यू सो मच.